जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2024। जी हां साथियों, सक्षम युवा योजना है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपको रोजगार दिया जाएगा। जो भी बेरोजगार साथी हैं, जो बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, उनको पैसे मिलेंगे और उसके बदले में काम भी करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, 4 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा आपको। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। 7500 तक का आपको भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3000 मिल जाएंगे, नहीं, पूरे 7500 रुपए तक आपको भत्ता मिलेगा। आप इस बेरोजगारी भत्ते में आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुरू है साथियों। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। जो काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबाओगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, फटाफट से इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 सक्षम युवा योजना है ये। इसका नाम है सक्षम युवा योजना, बिल्कुल साफ। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, आवेदन की लिंक वगैरह सारी चीज बता देंगे आपको, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी हम बता देंगे, सारी कुछ चीज बता देंगे। ये लाभ कितने दिन तक मिलता है साहब? राजस्थान में तो सिर्फ 2 साल तक ही ये भत्ता मिलता है, लेकिन हरियाणा सरकार 3 साल तक आपको भत्ता देगी। साहब मौज होगी फिर तो, और के बढ़िया मौज होगी। हरियाणा सरकार आपको 3 साल तक भत्ता देगी, और राजस्थान में तो क्या है, स्नातक है तो ही भत्ता मिलता है। हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है, 12वीं पास भी बेरोजगारी भत्ता ले सकता है। बिल्कुल, यदि आप 12वीं पास हैं तो आप भी भत्ता ले सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा। उसके नियम शर्तें जो भी हैं सारी चीज समझने वाले हैं। अगर आप 12वीं पास हो तो 18 साल से 35 साल तक आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो। अगर आप 35 साल के हो गए हैं तो भत्ता मिल सकता है, लेकिन 35 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद आपको भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, और 3 साल तक, या तो 3 साल या फिर अधिकतम 35 साल, अधिकतम 35 वर्ष। यदि भाई मान लो आपकी उम्र 33 साल है, आपने फॉर्म भर दिया, तो 33 के बाद 34, 35, 2 साल ही मिलेगा आपको, 35 के बाद में देते नहीं है। अगर आप स्नातक हो तो 21 साल से 35 साल एज रहेगी आपकी, फिर आपको 21 साल का होना पड़ेगा, वो तो हो जाता है बच्चा आप ही स्नातक होता है तो। अब इसकी पात्रता शर्तें सारी चीजें समझेंगे। पात्रता और शर्तें क्या है दोस्तों, स्वयं रोजगार में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बंदा, पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये किन के लिए है योजना? केवल हरियाणा वालों के लिए है ये योजना। ठीक है साहब, इसमें और कोई आवेदन नहीं कर पाएगा, केवल हरियाणा का ही लड़का हो या लड़की हो उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी और किसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर और कोई कैंडिडेट इस योजना के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं साथियों। ठीक है, अच्छा जी, हरियाणा वालों के लिए तो भाई बहुत अच्छा मौका है। पात्रता और शर्तें देखो, रब स्वयं रोजगार में नहीं होना चाहिए, जो इसमें फॉर्म भर रहा है वो रोजगार में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ठाला बैठा हो, बेरोजगार हो, तो ही उसको आवेदन करने का मौका मिलेगा और भत्ता तभी मिलेगा। वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, यानी कि आपकी 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए साल की, पूरे परिवार की। ऐसे नहीं साहब मेरी के ना, पूरा परिवार में कोई ऐसा नहीं हो कि आपका पूरा परिवार 20,000 महीने के कमा रहा है तो आपको भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, ये आयकर आपको बनवाना पड़ेगा, पिता के नाम से, खुद के नाम से बनेगा। पढ़ाई कहाँ की हो वो भी इसमें नियम है, आयकर तो स्वयं का बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि तुम खुद 18 साल के हो गए हो तो 18 प्लस एज हो गई है, तो आयकर स्वयं का बनेगा। और उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये लिखवाना है कि मेरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख है, 1 लाख है, बस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मैं स्वयं बेरोजगार हूँ। ऐसे नहीं लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ, नहीं तो भत्ता नहीं मिलेगा, ऐसे लिखना है कि मैं बेरोजगार हूँ, ठाला हूँ, बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ की हो आपने तो ही भत्ता मिलेगा।
या तो आपने चंडीगढ़ में की हो, या हरियाणा में की हो, या दिल्ली में की हो। आपकी मार्कशीट चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की पढ़ाई की है आपने, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आपको भत्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल नियमित छात्र नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप स्नातक हो गए और अब स्नातकोत्तर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हो और भत्ता भी ले रहे हो साथ साथ, उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल साहब, घर में शौचालय जरूरी है। अगर आपके घर में लैट बाथ नहीं बना है तो भी आपको भत्ता नहीं मिलेगा, लैट बाथ आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने के 2 महीने के भीतर भीतर लैट बाथ बनवाना पड़ेगा। फॉर्म तो चाहे भर दो आप, लेकिन 2 महीने के भीतर भीतर आपको लैट बाथ बनवाना पड़ेगा, शौचालय जरूरी है, ये इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब देखो 12वीं पास यदि आप हो तो भत्ता आपको हर महीने कितना मिलेगा, 900 रुपये। हैं सब थम तो बोले 7500 मिलेगा। अरे डट जाओ, ते पूरी जानकारी देंगे, 7500 ही मिलेगा, 9000 भी मिलेगा, ठीक है। कदे बहम में वाह, देख भत्ता तो मिलेगा 900 रुपये प्रति महीने का, ठीक है साहब, लेकिन आपको काम करवाया जाएगा साथियों, 4 घंटे रोज काम करवाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, फिर उस काम के बदले में आपको मानदेय मिलेगा 6000 रुपया। बिल्कुल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, 6000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा, और राजस्थान में 4 घंटे काम करवाते हैं तब 4000 भत्ता मिलता है, यहाँ 4 घंटे काम करवाएंगे 6000 रुपये मिलेंगे और अलग से 900 रुपये और मिलेंगे। अब बताओ कितने हो गए टोटल, 6900 हो गए साहब, ये तो 7000 ही हो गए, 12वीं वालों को मिल रहे हैं 7000 रुपए, तो होगी ना मौज। बिल्कुल साहब, स्नातक वालों को, और स्नातक वालों को 1500 रुपए तो महीने की महीने सरकार दे रही है, और आपको काम करने के बदले में 6000 रुपए वो मिलेंगे, तो 6000 ये 1500, ये कितने हो गए 7500 रुपए आपको महीने की महीने भत्ता मिलेगा, काम करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल साहब, और अगर कोई स्नातकोत्तर है, मान लो स्नातक हो गया, अब एमए एमएससी एमकॉम और कर लिया है, तो उसको 3000 रुपए डायरेक्ट सरकार दे रही है महीने की महीने, और 6000 रुपए काम करने के मिल रहे हैं मानदेय, तो 6 और 3 कितना होगा, 9000 तनखा मिल गई, यल्ले बहुत बढ़िया काम होगा, 9000 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो ये आपको मानदेय मिलेगा 6000 रुपए 4 घंटे काम करने के बदले में, और ये जो भत्ता है ये सरकार आपको वैसे दे रही है, ये दोनों को ऐड करके फिर आपको टोटल रुपए मिलेंगे, आपके खाते में आएंगे। अब भत्ता कैसे मिलेगा, 1 महीने में 100 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि लगभग आपको डेली 4 घंटे काम करना पड़ेगा। काम कहां करना पड़ेगा साहब, काम तो जो हरियाणा सरकार है, वो आपकी ड्यूटी, आपकी इंटर्नशिप है, वो कहां लगाएगी, हरियाणा सरकार के द्वारा कंपनियों में, सरकारी दफ्तरों में, उद्योगों में, सोसाइटी, सरकारी व निजी क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी कि हरियाणा सरकार आपको कंपनी में भी लगा सकती है, किसी उद्योग में भी लगा सकती है, किसी कारखाने में भी लगा सकती है, लेकिन वो खतरनाक काम नहीं करवाएगी आपसे, बहुत सरल और आसान काम ही आपसे करवाया जाएगा, खतरनाक काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। कभी तुम सोचो सब कंपनियों में तो हम पैसे वैसे लग रहे हैं, 10000 ले रहे हैं, ठीक है सब, वहां तो सब बहुत भयंकर काम करवाते हैं, पूरे दिन काम करते, भाई कंपनियों में तो ऐसे ही काम होता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम रहता है, ठीक है उसके 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसा काम आपसे नहीं करवाया जाएगा, आपसे नॉर्मल काम करवाया जाएगा, और 4 घंटे ही तो करना है, 4 घंटा करके पा रहे हो अपने निकलो, कोई ठेकेदारी थोड़ी है, आपको 8 घंटे करोगे, 4 घंटे आप काम करोगे उसी के आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है साहब। आवेदन कैसे करना है, https://hreyahs.gov.in, ये लिंक जो है ना साथियों, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इस लिंक से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ई मित्र वाले से ही करवाना है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि भाई आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये लिंक है, यहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन आवेदन ई मित्र से ही करवाना है, इस बात का ध्यान रहे। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ओमवीर योजना के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी योजनाओं की जानकारी उसमें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी खबर होती है, वो योजना के
टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। और भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हो तो आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर आपको भर्तियों की जानकारी मिलती रहती है। तो ठीक है साथियों, ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई है, वीडियो लाजवाब लगी है तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर ठोक जाना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।